ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी जी ठीक है, हाँ हाँ ऑर्डर पहुंच जाएगा, आज इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, ठीक है चले बाद में बात करता हूँ, ओके अल्लाह। जी मुझे अंदर जाना है। तो अपने घर के अंदर जाइए, किसी और के घर में क्यों जा रही सी? और ये किस किस्म का नाम है? ये नाम तो नहीं है। तो फिर क्या है? ओहो, मेरा मतलब है आप अपने घर के अंदर जाएं, इस घर में तो हम लोग रहते हैं। मगर मेरी कजन ने तो कहा था कि वो यही रहती है। कौन कजन? सीमा। सीमा मैडम आपकी कजन है? जी। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए आइए अंदर चलिए। मैं आपसे पहले यही तो कह रही थी, रोग तो आपने लिया था मुझे। असल में मुझे मालूम नहीं था ना इसलिए। अब मालूम हो गया? अच्छी जी मालूम हो गया। तो चले। कहाँ? अंदर। हाँ चले। अरे अंकल आप पहले से आए हुए? मैं पहले से मौजूद और दुनिया में भी पहले ही आया ना। पता ही नहीं चला कब आया। क्या मतलब है तुम्हारा? ट्रैक्टर का आवाज निकाल गया था मैं। अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये था किसी ने बताया ही नहीं आपका। अगर बताता तो क्या कर लेता ये? वरना मैं पापे चाय ग्लूकोज ये लेके आता आपके लिए। अभी ले आओ, हम कौन सा जा रहा है। मैं बिल्कुल, आप आराम से यहाँ बैठे, मैं बिल्कुल लेके आता हूँ। और मेरे बात सुनो, मैं आज भी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। क्या मीठा ज्यादा? तपा रहा है मेरे को, तपा रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप एक काम करें यहाँ बैठे, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेके आता हूँ। ये कह गया। और बताए अंकल कैसे हैं आप? याद है की तरह खूबसूरत है। अंकल मुझे भी खूबसूरत होना है। मुंह पे पटक छटक करा लो। अच्छा छोड़े ना, मैं फैसला कर चुकी हूँ इस दफा मैं शादी करके ही जाऊंगी। शादी करके जाने का? लड़का कौन है? कल कोई भी चलेगा, या लड़का या रक्षा है। बुम, 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 बुम। अगर होता तो कर चुकी होती ना शादी। कोई नहीं, हम लोग तलाश करेगा, सुबह सुबह 6 बजे सब निकल जाएंगे चौकरे के तलाश में। ठीक है? ठीक है अंकल, जाओ। फिर मैं जा रही हूँ। अरे बाबा जानी को कितनी बार बोला है मेरी गाँव का ख्याल रखा कर। कोई बात नहीं गाँव, कोई बात नहीं, बच्चू है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। बाबा परेशान क्यों होती है? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबा अपनी गाँव की सफाई कर रहा था। अच्छा मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरी ना कजन आ रही है। अरे बाबा कौन सी कजन? दूसरे शहर से आ रही है, लेकिन लेकिन क्या बाबा? थोड़ी ना दिमाग से फारिग है। इसका मतलब है बाबा पागल है क्या? नहीं 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 पागल नहीं है, वो थोड़ी जिद्दी है, बात बात पर जिद्दी बहस करती है। अरे बाबा ये तो दिमागी मसला है, और ये तो अपनी जरीना के साथ भी है। वाह आज पहली दफा तुमने क्या सही बात की है। हाँ वाकई आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा, अब मतलब मैं जरीना के बारे में कोई भी बात बोलूँ आपको अच्छा लगेगा? नहीं कुछ भी नहीं, अब जब बुराई करोगे। क्या मतलब है बाबा? मैं भूल गई थी, अच्छाई 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 कह रही थी। हाँ फिर तो ठीक है। सीमा। हे, पापा जाने आ गए? अरे बाबा कब आए, तो घर के अंदर से आवाज आ रही है बाबा, चलो देखें। चलो चलो बाबा। फेसबुक पे हर कोई मेरे पीछे लग जाता है, असल जिंदगी में तो मुझे कोई मिलता ही नहीं है। ये दुनिया वाले भी ना अजीब हैं। ओहो अब भला किसी ने मैसेज कर दिया, देखूं। तस्वीर तो गाड़ी की लगाई हुई है, मुझे लगता है कोई अच्छा बंदा है। चलो भला बात करके देखते। अरे नाहिला कैसी हो तुम? मैं भी आया, मेरे को नहीं पूछना, गरीबों को पूछता कौन है जी। अरे बाबा आप आते ज्यादा हैं, जाते कम है, इसीलिए आपसे नहीं पूछा है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बताया नहीं कि आप आ रही थी। अच्छा फोन किया था मैंने, उठाया नहीं है तुमने,
नहीं नहीं वो हाँ फोन खराब था जरा मेरा। अरे बेगम कैसी बातें करती हो, अभी तो आप अपना फोन देख रही थी। वो मैं ये देख रही थी कि वो अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ। इनसे मिलिए, ये है मेरे शौहर। मुझे भी शौहर चाहिए सीमा। अरे बाबा शौहर क्या कोई चीज है जो दुकान में मिलती है, आपको भी चाहिए। बताया था ना दिमाग से फारिग है। आजा बाबा। अरे बाबा आप फिक्र ना करें, आपको भी जल्दी से शौहर मिल जाएगा। हाँ भाई इसीलिए तो हम इधर आए ना। अच्छा तो आप इसलिए यहाँ आए हैं। हाँ ना, अंकल को मैंने ही तो बुलाया है। चलो इसके लिए लड़के का बंदोबस्त करते ना जी। हाँ बाबा हाँ हो जाएगा, बंदोबस्त हो जाएगा। ओहो लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? भाई मुझे नहीं पता, मुझे बस शौहर चाहिए। आ बाबा हो जाएगा हो जाएगा। पर कैसे होगा? अरे बाबा आप अंदर चले ना मेरे साथ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा चलो चलो बाबा चलो। बिल्कुल बेफिक्र हो जा। अरे ओ जाने देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। ओ जाने जी 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 आया जी आया 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 जी जी जरा। हाँ बैठो। बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आज बहुत काम है। क्या है भला जानी, कभी मेरे साथ भी बैठ जाया करो, मैं भी भला इस घर के आधी मालिक हूँ। पर आधी मालकन के काम ही इतने सारे होते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। देखो जानी मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि तुम इस घर के मालिक बन जाओ मुझसे शादी करके, अब भला तुम्हें ही नौकर बन के रहने की आदत है तो मैं क्या करूँ। नहीं 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 ये बात नहीं है। फिर भला क्या बात है? असल में मैंने दोनों के बीच में देखा है, नौकर बनना ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब? कुछ नहीं वो मैं आता हूँ। अच्छा मैं लग कैसे आए, मेरे को जवाब ही नहीं दिया। वैसे अगर ये मेरे से शादी कर ले तो घर का बना घर में ही रह जाएगा, कितना मजा आएगा। काश जानी तू मान जा मेरे से शादी करने के लिए तो मजा आ जाए। मुझे भी जानी से शादी करनी है। मैं तेरे पास आ जाएगा बेफिक्र होने का। बात बता गया मैं अपने बेटी के घर आया है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है ना, इसके बाद तुमसे बात कर लेने का। ठीक बोले ना? अंकल मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुमसे बाद में बात करता, जाने का फैसला किया, शादी तो बाद में भी हो जाएगा ना जी। अंकल मैंने शादी का फैसला कर लिया है। वो तो मेरे को मालूम है, लड़का किधर है? लड़का वो तो मैंने ढूंढ लिया है। अकेले ढूंढ लिया? वो कौन है? आपके घर में ना जानी। क्या जानी? वो तो हमारे मुलाजिम है जी। भाई मुझे नहीं पता, मुझे उसी से शादी करनी है बस। उसी से शादी करना? इस तरह तो हमारे नौकर से हम हाथ धो बैठेगा जी। क्या हो गया सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? जानी बहुत अच्छा हो गया ना तुम आ गया। क्या हुआ सर? बात ये है कि वो जरीना तो उसका दिमाग फाड़ देगी अगर उसको पता लग गया ना जी, तो बहुत खराब हो जाएगा। अब तुम बताएगा ना क्या करना ना जानी। अरे सर इतना लंबा ड्रामा करने की जरूरत क्या, बोल दे उसे कि शादीशुदा है, किससे ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है तुम्हारा, क्या बात है तुम्हारा, वाह 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 वाह, इस मामले में तो तुम चैंपियन है ना जी। ऐसे कामों में शुरू से ही मेरा दिमाग चलता है। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं करने का, थोड़ी देर के लिए तो इज्जत रहने देते। कोशिश करता हूँ, रहता नहीं है, क्या करे। मेरे ख्याल से मैं चला ही जाऊँ। हाँ चले जाओ। अभी बताती हूँ मैं इस छोकरी को, समझती क्या है अपने आप को। जानी तो खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। तेरी मजाल कैसी हुई जानी पर नजर डालने की? मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो? तेरी मर्जी मर्जी नहीं, मैं बता दूं मैं इस घर की आधी मालिक हूँ। तो क्या करूँ? तू कुछ ना कर, बस अपने दिमाग में ये बात डाल ले कि मेरी जो चीज है उस पर ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये तो मुझे पहले से ही पता है कि इस पूरे घर में तुमसे बुरा कोई नहीं है। खैर अभी तेरे को बताती हूँ, रुक जा। आधा बच्चू सीमा भाजा जल्दी से आ जाओ। अरे बाबा छाते हो, बाबा छाते हो। क्या हुआ क्या हुआ? अदा इसको देखो, ये कह रही है कि मेरे को जानी से शादी करनी है। अरे बाबा तो इसमें तेरा क्या मसला है, करने दे। क्यों भला जानी से मैं शादी करूंगी? शादी तो उससे मैं ही करूंगी। ओ, जानी ना हो गया, फिल्म स्टार शान हो गया, सब ऐसे पीछे पड़ गए। इस घर का नौकर है वो। भाई जो भी है,
शादी उससे मैं ही करूंगी। देखती हूँ मैं भी ये तू कैसे शादी करती है उससे। जिससे इसको शादी करनी ना, मैं उसी से शादी करूंगी। अरे बाबा सीमा समझाओ इसको, लिख कर जाओ बाबा। आओ आओ तो सही। चुड़ैल हुई लेकिन आज चुड़ैल फिर सा इनके गोगो नहीं मारे चंदन। जाने 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 बस बस परेशान हो रही हो, हम सब मिलके कर रहे हैं ना कोशिश। तुम्हारे अच्छा सर मैं जरा जा रहा हूँ। कहाँ? अरे आज मेरी बेगम की सालगिरह है ना इसलिए। बेगम? बेगम 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 की सालगिरह। बेगम? हाँ बेगम। ये तुम शादीशुदा हो? हाँ पिछले 10 साल से मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 जाती बच्चे। अच्छा सर आज के लिए इतना काफी है, मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक हो गया, सेटिंग ठीक हो गया। हाँ सुनो तू जो जाहिल लड़की है वो इसके पीछे क्यों लगी हुई है शादी के लिए? तो पागल है, तुम छोड़ो उसे। पागल है? मैं तो उससे इतना लड़ रही थी। पागल से नहीं लड़ने का, उछल के सर पे काट रहेगा जी। अगर वो पागल है ना तो मैं उससे ज्यादा पागल हूँ। ओहो तुम छोड़ो। ये बताओ कहाँ लड़का दिखा? कहाँ मिला? एक मिला था मुसीबत, वो भी शादी शुदा निकला। कोई बात नहीं, लड़का मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। ये भी ठीक है। आओ ना ना हम अंदर चलते। आओ चलो चलो चलो। पता नहीं कब मिलेगा। बस मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे शादी करने पे रोक नहीं सकती। किसकी तस्वीर है ये? क्यों भला मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, मैं इससे शादी करने वाली हूँ। इससे शादी मैं करूंगी। खबरदार। अरे मैंने कह दिया ना शादी मैं ही करूंगी। बाकी पक्का? हाँ। ठीक है तो फिर ऐसा करते हैं कि ये खुशखबरी सुनाने के लिए भाजाई अदा और अंकल को भी बुलाते हैं। अदा बच्चू भाजाई, अदा बच्चू सीमा जल्दी से आ जाओ, खुशखबरी है। क्या हो गया ये, क्या हो गया, क्या हो गया, ये कौन आया, क्या है? एक मिनट, एक कुछ खबरी है भाजी, तुम्हें पता है? और अदा ये तो तस्वीर में जो है ना, इससे ये छोकरी शादी करना चाहती है। मेरे को भी दिखाने का? दिखाओ, बहुत खूबसूरत है। ठीक है भाजी ये देखो। बाबा अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारा दूल्हा कैसा है? ये गधा ना चाहिए, गधे के साथ शादी नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, क्या बात गई है, क्या बात गई है। बाबा इससे कर लो शादी। अरे अरे नाइला टप गया जी, टप गया। बाबा आ गया जरी, वाह 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 मजा आ गया। इसकी शादी इससे सही कराएंगे। हेलो। अरे बाबा मैंने तो तुमको अपनी इतनी सारी तस्वीरें भेज दी हैं, तुमने मेरे को अपनी एक भी तस्वीर नहीं भेजी। देखो मुझे किसी की खूबसूरती से तो कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन अच्छा ऐसा करो कि तुम ना बस जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ ना, और मेरा हाथ मांग लो ताकि हमारी शादी हो जाए। ठीक। अच्छा एक मिनट होल्ड करो, तुम फोन बंद नहीं करना, मैं आ रही हूँ। होल्ड होल्ड बंद नहीं करो। थैंक यू। क्या क्या आप मुझसे शादी करेंगे? देखिए मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं अभी आई हूँ, मैं सीमा की कजन हूँ, आप मुझसे शादी कर लेना प्लीज। हाँ हाँ करेंगे। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। आखिर इस लड़की ने लड़का ढूंढ लिया ना जी। हाँ बस अल्लाह करे और इसे हमारी जान छूटे। हाँ बाबा ये नाइला है कहाँ? तैयार हो रही है ना। अच्छा लड़का जो आ रहा है तैयार तो आना जी। अरे वाह नाइला तुम तो बड़ा अच्छा तैयार हो के आई हो। हाँ बाबा बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगता है वो आ गए। अच्छा बंगरी भी नहीं वार आंगे आ गए, बहुत मजा आया तुम्हारे इस बात पे। अरे बाबा मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। किधर गए? मेरे लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ।
भला फोन क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा जी, तो ये है नायला? नहीं नहीं बाबा, मैं नायला हूँ बाबा, ये नेवला है। एक बात बता रहेगा, तुमको हम तीनों में से नायला कौन लग रहा है? नहीं 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 नहीं, आप तो बुरा मान गए, मेरा मतलब है शायद घर का कोई और फर्द ना हो, इसलिए सोचा पूछ लूं। वैसे मुझे ये रिश्ता कबूल है। अभी तक आया ही नहीं है कि धर रह गया मनुष्य। पता नहीं कहाँ रह गया है, पता तो मैंने इसको यही बताया था कि रिश्ता लेके इधर आना है, पता नहीं कहाँ रह गया और कब से फोन भी कर रही हूँ उठा ही नहीं रहा है। मौत पर फोन खण। अब जब पसंद का मामला है तो हम बीच में क्या कर सकता जी? नहीं नहीं नहीं, पसंद ही नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। अल्लाह, मुझे भी बहुत पसंद है। बस तो फिर तारीख तय करें। मेरा ख्याल है कोई जरूरी कॉल है उठाने का। नहीं नहीं अंकल, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तुम्हारा नहीं है, जो कॉल कर रहे हैं ना वो सबका मसला है जी। अच्छा बस अभी आया। हाँ पापा जानी, हम अंदर चलते हैं, देखते अभी तक जानी ने इंतजाम किए नहीं। आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी जानू, मैंने कहा ना मीटिंग में हूँ, कुछ देर बाद तुम्हें कॉल बैक करता हूँ ना। मीटिंग? मीटिंग भला किसके साथ, कहाँ पर आयो? वो बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हूँ ना। इतनी दूर? अरे क्या करूँ मेरी प्यारी जरीना, तुम्हें पता है ना हमें शादी करनी है और शादी के बाद अच्छी जिंदगी भी तो गुजारनी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जरीना अभी रखो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा धोखेबाज, मेरे को फेसबुक और फोन पे बेवकूफ बना रहे थे तुमने, क्या मुझे चरिया समझावा है? अभी तुम देखो मैं जानी को बुला के तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना के आंखों में न लगवा, मेरा नाम भी जरीना ठोक जा। अभी मैं तुझे बता दूं, जानी ओ जानी जल्दी से बाहर आ जाओ। जानी जी 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 आया जी। जानी 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 इसको पकड़ो, ये वही धोखेबाज है जो मुझे फोन पे और फेसबुक पे धोखे दे रहा था और मुझसे कह रहा था मैं तुमसे शादी करूं, ये मेरे से नहीं इस ठोकरी से यहाँ शादी करने के लिए आया है। यानी तू इतना बड़ा धोखेबाज है, फेसबुक पे बच्चा सेट कर रहा है और हमें बता भी नहीं रहा, यानी अकेले अकेले। यानी इसको पकड़ो धोखेबाज इंसान। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा करो तुम भी इसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूँ। कहाँ? यहाँ गार्डन में। पागल वागल हो गए हो, वैसे तो मिलता नहीं, सड़क हरकतें करोगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा, वो यहीं पर है। नहीं बाबा जानी नहीं, आप गांव वापस ना जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ गाँव से और बंदे बुलवा ले बाबा, रौनक रहेगी ना तो खौफ कम हो जाएगा। ओहो ये कोई आसेब वासेब नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, शादी शादी करते करते बात दिमाग से चली गई और कोई बात नहीं है। जानी जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। मेरे अब्बा की डिस्पेंसरी है क्या? ओहो जो पापा को दिया था ना डॉक्टर ने वो रखा हुआ है, जाओ लेकर आओ। नहीं बाबा इंजेक्शन कोई नहीं लगाएगा बाबा। जा बाबा जा इंजेक्शन लेकर आओ बाबा। जरीना की जिंदगी की वो एक वाहिद क्या ख्वाहिश? शादी बाबा। तो कभी कभी जब इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो उसका असर अपने दिमाग पे ले लेता है। बेगम आपको यकीन हो गया कि नहीं हुआ? यकीन हो गया, हो गया, हो गया। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा